क्या आपने कभी ये सोचा है कि इतने बड़े और भारी ट्रेन में आखिर ब्रेक कैसे लगाया जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्रेन में ब्रेक लगाना नहीं पड़ता है, ट्रेन में हमेशा ब्रेक लगा ही रहता है। और जब ट्रेन स्टेशन से खुलती है तो एयर प्रेशर की मदद से ब्रेक को हटाया जाता है, और जब ट्रेन को रोकना होता है तो ड्राइवर बस एयर रिलीज कर देता है और अपने आप ब्रेक लग जाता है। इसलिए आप सब ने अक्सर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खुलने से पहले देखा होगा कि ट्रेन के इंजन से जोर जोर से हवा निकलती है और हवा अंदर जाती है। ट्रेन खुलने से पहले एयर लेता है ताकि एयर प्रेशर से ब्रेक को हटाया जा सके। और आप सब ने फिल्मों में तो देखा ही होगा कि ट्रेन रोकने के लिए चेन खींचा जाता है। जब आप ट्रेन की चेन खींचते हैं तो इन पाइप से एयर रिलीज हो जाता है और ड्राइवर के न चाहते हुए भी ट्रेन रुक जाती है, जिसे हम वैक्यूम करना कहते हैं।